आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। 14 फरवरी से जनपद के सभी विद्यालय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलेंगे पूरी क्षमता के साथ, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे प्रेक्षकों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए दिए निर्देश। ओएलएक्स के माध्यम से गाड़ी खरीदने व देखने के बहाने गाड़ी को लेकर भाग जाने वाले एक शातिर अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की गाड़ी किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। चौदह फरवरी से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जाएगी स्क्रूटनी। 16 फरवरी को होगी नाम वापसी, एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। नेपाल के नागरिकों का फर्जी कूट रचित आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को यूपीएसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 4 फर्जी आधार कार्ड, 4 मोबाइल, 2 अदद लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 एटीएम कार्ड, 3 पैन कार्ड, 2 निर्वाचन कार्ड, 2 डीएल और 13,300 नगद किया बरामद, भेजा जेल। न्यायालय के आदेश पर 6 महीने के लिए जिला बदर अभियुक्त मोहम्मद कैश को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनपद संत कबीर नगर कोतवाली में दाखिल कराकर न्यायालय के आदेश का कराया पालन। नौ विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे प्रेक्षकों की बैठक जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में सकुशल हुआ सम्पन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 324 केंद्रों पर 18,853 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,092 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 12,209 लोग रहे शामिल। करें कोविड प्रोटोकॉल का पालन, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कच्ची शराब बनाने वाले गिरोह के सरगना सहित 2 साथियों पर राजघाट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया कार्यवाही, एसपी सिटी ने दी जानकारी। और गोरखपुर में शनिवार को पाए गए 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 440। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।